हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 7 के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं इस वर्ष यानी 2023 ईस्वी में, तो आप लोग के एग्जामिनेशन में सारे प्रश्न ऐसे ही रहेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यह वीडियो। और साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आप लोग को ओरिजिनल पेपर प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको जो है आप लोग जा करके वहां से ज्वाइन कर ले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। अगर बात किया जाए क्वेश्चन पेपर की, तो आप लोग का क्वेश्चन पेपर इसी रूप में रहने वाला है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, पहले आपको अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लेना है, यहाँ पे स्कूल का नाम, यहाँ पे प्रखंड का नाम, ये खंड है तो यहाँ पे आप लोग को सेक्शन, अपने स्कूल में आपका जो भी सेक्शन में नाम होगा उस सेक्शन में अपना जो है यहाँ पे लिख लेना है। संकुल का नाम और जिला का नाम आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है। चलिए अब हम लोग नीचे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। चलिए अब यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। विधानसभा कहने का मतलब, आपके देश में दो तरह की जो है सभाएं होती हैं, एक होता है राज्य स्तर पर, जैसे मुख्यमंत्री हो गए और उनके जो है मंत्रिपरिषद हो गए, ठीक है। साथ में आप लोग का होता है प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद। तो जो लोग प्रधानमंत्री वाले मंत्रिपरिषद में रहते हैं उनको सांसद कहा जाता है, लेकिन विधानसभा के सदस्य को कहा जाता है विधायक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। अगला आता है, निम्न में से कौन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक है। तो अगर वायुमंडल की बात किया जाए तो आपको पहले तो सबसे पहले चार ठो ऑप्शन दिया गया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और ओजोन है। तो हमारे वायुमंडल में अगर बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोजन। इसकी प्रतिशत मात्रा जो है वो लगभग 78% है। अगला क्वेश्चन आता है, फतेहपुर सिकरी में किले का निर्माण किसने करवाया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क है शाहजहां, ख है अकबर, ग है जहांगीर और घ है हुमायूं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर का बनाया हुआ जो है किला है। चलिए अगला आता है, दूधिया मालदह किस फल की प्रजाति है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, केला, आम, तरबूज, लीची। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो दूधिया मालदह होता है, आप लोग मालदह आम खाए भी होंगे, तो ये आम का प्रजाति है। दूधिया मालदह जो होता है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। अगला सवाल आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पे खाली स्थान के विरुद्ध संघर्ष किया। तो दक्षिण अफ्रीका की अगर बात किया जा रहा है तो दक्षिण अफ्रीका में जो था वो रंग भेद था, यानी कि कुछ लोग काले थे, कुछ लोग वहाँ पे जो थे गोरे लोग थे। तो जिसमें जो है काले लोगों को विशेष अधिकार, सॉरी सब वहाँ पे जो गोरी चमड़े वाले लोग थे उनको विशेष अधिकार मिला हुआ था, जबकि काले लोगों को जो है वहाँ पे नीच समझा जाता था, कमज़ोर समझा जाता था। तो वहाँ पे इसमें भर लेना आप लोग को रंगभेद, है ना। दूसरा नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 1999 से पूरे देश में लागू हुआ। अगर बात किया जाए कि पास कब हुआ था तो 2009 में, लेकिन जब बात किया जाता है कि लागू कब हुआ था तो 2010 में। यहाँ पे हम लोग को भर लेना है 2010, ठीक है। अगला है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है मैग्मा और रत्न गर्भा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ जो आपको जो पहले दिया गया है मैग्मा कहलाता है, तो यहाँ मैग्मा हम लोग भर लेंगे। अगला आता है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, आपको दो यहाँ पे दिया गया है, बिहार और केरल। तो बिहार बहुत पीछे है, यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन में भरना पड़ेगा आप लोग को केरल। चलिए अब यहाँ पर आता है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर है, गंगा जमुना संस्कृति भारत की विशेषता है। गंगा जमुनी मतलब समझ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम, है ना, हिंदू मुस्लिम की संस्कृति भारत की विशेषता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इसमें सही का निशान, ठीक है। अगला आएगा, मरुस्थल में यातायात का मुख्य साधन हाथी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मरुस्थल में यातायात का मुख्य साधन ऊँट होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। अगला आता है, वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था। तो ये हो जाएगा आपका सही, क्योंकि वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाली था, ठीक है।
अगला आता है पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना लाभकारी है, तो ये भी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, क्योंकि जब आप पौधे लगाइएगा तो उससे पर्यावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, जिस कारण से यह जो है लाभकारी 100% होगा। अगला आता है किन्हीं चार प्रश्नों का 3 से 4 वाक्यों में आंसर दीजिए। तो यहाँ पे चूंकि जगह ही नहीं है तो 3 से 4 वाक्य लिखा कैसे जाए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है उसी में थोड़ा सा फॉल्ट है। यहाँ पे देखिएगा था नदियों के जल स्वच्छ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका देखिए आंसर हम लोगों ने किया है कि नदियों में कूड़े कचरे को नहीं फेंक कर तथा उसकी सफाई कर करके जल को स्वच्छ रख सकते हैं। अगला आता है पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच और कब हुई, तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है, 1526 ईस्वी में। अगला आता है आप लोग का लोगों के जीवन में मेले एवं हाट की भूमिका का वर्णन करिए, तो यहाँ देखिए तो यहाँ से लोग अपने ज़रूरत के सामान फल सब्जी इत्यादि खरीदते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन करें, तो प्रदूषण वह है जब किसी प्राकृतिक पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिल करके उसे मिल जाता है तब उसे प्रदूषण कहा जाता है, और यह 2 प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ठीक है। अगला आता है जल संचार के मुख्य साधन क्या है, सॉरी जन संचार का मुख्य साधन क्या है, तो अभी की अगर बात किया जाए तो जन संचार का मुख्य साधन है मोबाइल, मैसेज, इंटरनेट, पुराने ज़माने में चलिएगा तो खत, टेलीग्राम, वो सब आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आता है कैमूर की पहाड़ियों में कौन कौन से खनिज मिलते हैं, तो अगर बात किया जाए कैमूर की पहाड़ियों की तो चूना, पाइराइट, पोटास एवं थोड़ी मात्रा में हीरा भी यहाँ पर कैमूर में मिलता है। अगला आता है किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 10 वाक्यों में दीजिए, 3 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल और दायित्व को समझाइए। दूसरा दिया गया है पर्यावरण हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तीसरा होगा वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के विभिन्न परतों की वर्णन कीजिए, तो हम लोगों ने ख नंबर का आंसर किया है। तो यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं ख का आंसर हम लोगों ने लिखा है, तो पर्यावरण हमारे चारों ओर के वातावरण को कहते हैं। पर्यावरण हमारे लिए सबसे अधिक जरूरी है क्योंकि इसी से हम लोग अभी जिंदा है। पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि मौजूद हैं। पर्यावरण से हमें खाना पानी शुद्ध हवा और बहुत सारी सुविधा मिलती है, इसलिए पर्यावरण अति आवश्यक है। अगर आप लोग को इसका ओरिजिनल पेपर लेना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप लोग को मैं एक चीज़ और यह क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि एक तरह से एक मॉडल पेपर है, ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर नहीं है। यहाँ से इसको बताने का उद्देश्य यही था कि इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में रहेगा। साथ ही ये सारा क्वेश्चन जो बताया हूँ इसमें से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से बड़ा वाला में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।